द करेंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। तो हम हर रोज़ की तरह इस रोज़ भी आपके लिए करेंट अफेयर लेके हाजिर हो गए हैं सुबह सुबह। तो आप सबको मेरा नमस्कार, और अब ऐसे ही करेंट अफेयर पढ़ने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो समय न गवाते हुए हम करेंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे चलिए नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? बंसीगटन में हुआ है। पासपोर्ट सेवा का उद्घाटन बंसीगटन में हुआ है। पासपोर्ट सेवा योजना लॉन्च हुआ था ब्रिटेन में। पासपोर्ट सेवा योजना कहाँ लॉन्च हुआ? ब्रिटेन में। तेंदुआ सफारी पार्क, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेंदुआ सफारी पार्क बनाने की घोषणा किसने की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने तेंदुआ सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है। यह जो पार्क बनेगा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में बनेगा। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, आपको मैं बता दूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुनाव आयोग ने हो रहे 5 राज्यों में चुनाव में पारदर्शिता को देखते हुए प्रतिदिन होने वाले चुनाव खर्च की सीमा 20,000 से कितनी कर दी है? 10,000 कर दी है। तो घटाया है यहाँ पे पैसा को, यहाँ घटाया गया खर्च सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर को यूएन ने यूनिवर्सिटी शहर घोषित किया है? यूनिवर्सिटी सिटी यानी यूनिवर्सिटी शहर घोषित किया, तो ग्रेटर नोएडा को किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास दोस्ती जिसका नाम है वो किसके किसके बीच हुआ? 3 देश है त्रिपक्षीय, तो 3 देश, भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब मैत्री पूछेगा तो मैत्री आपका हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। तो बहुत सारे ऐसे समझौते और अभ्यास हैं, नौसेना के अभ्यास है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 50वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का यह राज्य शीर्ष पर है। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का ये आंध्र प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन, 8वें फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड को भारत के किस शहर में जारी किया गया? मुंबई में जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज कुछ करंट अफेयर जो देखिए, किस देश ने पहला भूमिगत होटल बनाया है? चीन। चाइना आपको ज़मीन के अंदर भी खाना खिलाएगा, भूमिगत होटल बनाया है। ये देखिए एक बड़ा ही सवाल यहाँ पर है, चाइना विकसित देशों में से गिना जाता है। रूसी जहाज से यूक्रेन की जहाज को टक्कर कहाँ हुआ था? ये काला सागर में हुआ था, रूसी जहाज और यूक्रेन की जहाज टक्कर हो गई थी दोनों के बीच, तो ये हुआ था आपके काला सागर में। चलिए यहाँ खेल के कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, इसको आप देख लीजिए खेल का प्रश्न। यहाँ देखिए, ये मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये बहुत ही बड़ा जीत हासिल किया मैरी कॉम, 3 बच्चों की माँ है। और ये आपको बता दें कि यह स्वर्ण पदक जीतकर करियर के कुल 6ठा विश्व चैंपियन खिताब अपने नाम कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, तो आप इसे देख लें। और कुछ क्वेश्चन पर नज़र हम डाल, कुछ क्वेश्चन को भी देखते हैं हम, रुकिए आपके। देखिए, लगभग 2 वर्ष के बाद उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में कुछ स्तरीय कूटनीतिक वार्ता हुई है। वार्ता किस स्थान पर हुई थी? पानमुन जोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार की गोपनीयता के लिए वर्चुअल आईडी पेश किया, यह कितने अंकों का होगा? 16 अंकों का होगा। अगला क्वेश्चन से हम इसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजेंगे और आपके बीच हम रखेंगे। हाँ, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में निम्न में से किन दक्षिणी पूर्व देशों की यात्रा की है? तो आपको बता दूँ, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये 3ों देश की यात्रा की है सुषमा स्वराज ने। तो चलिए दोस्तों, और अब हम कल मिलेंगे फिर से कल की नए करेंट अफेयर के साथ। तब तक आप सबसे विदा लेते हैं। Bye.